हमारी यूथ जो है वो गलत लोगों को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अपनी ड्रेसिंग पे और इस तरह से मेकअप और फैशन में वो इतनी ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे ये फला ब्रांड के कपड़े चाहिए, फला ब्रांड का मोबाइल चाहिए, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो गलत तरीके जो है अपनाते हैं। सवाल इन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने अबाये में क्या किया नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, निमरा अहमद का वीडियो है और इसका टाइटल है पीआईए एयर होस्टेस अरेस्टेड फॉर स्मगलिंग फॉरेन करेंसी एट लाहौर एयरपोर्ट। तो जी हाँ, ये बड़ा ही शर्मनाक वाकया जो है वो आया है और पाकिस्तान की एयर होस्टेसेस का तो मतलब रिकॉर्ड रहा है, पिछले साल दो साल में रिकॉर्ड रहा है। कोई कनाडा जाकर लिखती है कि मिसिंग इन कनाडा और समथिंग समथिंग, तो आप लोगों को खबरें मिल जाएंगी। वैसे तो ये जो लेटेस्ट है, पहले मैं इसका वीडियो दिखा देता हूँ कि मैडम के पास से 140,000 रियाल मिले हैं और ये रियाल उन्होंने मोजो में छुपा कर, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की होस्टेस ही है। पूरा वीडियो देखिए। और भी रह गए, वो भी निकालने रह गए। राम ना राम ना, मुझे शुरू तो आगे देख रहा है, शुरू तो आ रहे हैं, सारे तो आ रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, फोक तो आ रहे हैं। पचास हजार ये सर ने हैंड ओवर किया, डेढ़ पचास हजार ये सर ने हैंड ओवर किया। तो मैंने सर्च नहीं किया, सर्च किया और तीन दफा किए उनकी, उन्होंने नहीं निकाली। हाँ चलो ठीक है, देख लिया वीडियो। बताइए, इतनी उम्र दराज हैं और ये बहुत पहले से ऐसे काम कर रही होंगी, आज पकड़ी गई और उसके बाद ये बात करेंगे कि हमारे पास तो ईमान की ताकत है और हमारे पास तो जज्बा है और हमारे पास ये है और हमारे पास वो है और काम ऐसे करते हैं। ठीक है, अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, चलिए आइए देखते हैं। तो एक खबर सामने आ रही है जिसको पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने कवर किया है। पाकिस्तान के अंदर एक एयरपोर्ट है, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर पीआईए की एयर होस्टेस पकड़ी गई है स्मगलिंग करते हुए। जब सिक्योरिटी चेक हुआ उस वक्त ये पता लगा कि पाकिस्तान की पीआईए की एयर होस्टेस ने काफी ज्यादा अपने पाओं में सॉक्स पहनी हुई है और उनके अंदर सऊदी रियाल दबा रखे हैं, छुपा रखे हैं। तो स्मगलिंग में वो पकड़ी गई है और लगभग 140,000 सऊदी रियाल पकड़े गए हैं। तो पाकिस्तानी आवाम की तरफ जाते हैं, ये वीडियो भी दिखाते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ज्यादा स्मगलिंग में, करप्शन में ही क्यों मुलविस है, हमेशा कसूरवार ठहराया जाता है हुकूमत को। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम करप्ट नहीं है? तो पाकिस्तान की आवाम की तरफ बढ़ते हैं, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि करप्शन जो है वो मुल्क के बड़े लेवल में फैल चुकी है और वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बनने के साथ से ही ये हमारे मुल्क में आई। तो बेसिकली इस बात यह है कि हमारी जो आम आवाम जो है वो हर बात बात पे हुकूमत को टैग कर रही होती है कि हुकूमत करप्शन है, वो करप्ट है, वो करप्ट है, और इवन हमारे हुकूमती जो हुक्मरान है वो भी इस बात पे कह रहे होते हैं कि फलां करप्ट है और फलां करप्ट है। दरअसल बात यह है कि हम अपने हुकूमती निज़ाम को तब बदल सकते हैं या हम उन्हें तब बेहतर कर सकते हैं या हम उन पर तब आवाज़ उठा सकते हैं जब हम खुद को देखें कि हम कितना जो है वो अपने मुल्क के साथ और अपनी कौम के साथ मतलब उनके साथ कितने हम वफादार हैं। तो उसके लिए बात यह है कि हम अगर छोटे लेवल पे देखें कि इवन एक फेरी वाला, एक दुकानदार जो है करियाना स्टोर वाला, कोई कपड़ों की दुकान वाला, वो हर बंदा अपने लेवल पे करप्शन कर रहा है। ठीक है, वो खुद को नहीं देखते कि हम कितना करप्शन कर रहे हैं और दूसरों पे आवाज़ें उठा रहे होते हैं कि फलां करप्ट है, फलां करप्ट है। इसी तरह जैसे आपने कहा कि वो पीआईए की एयर होस्टेस, तो ये तो एक मामूली सा एक वाकया हो गया। हाँ जी ठीक है, उसने करप्शन की या बेटा, ये मामूली सा वाकया नहीं है, वो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उस इंटरनेशनल एयरलाइंस की वो एयर होस्टेस है और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है।
उम्र दराज हैं, उसके बाद अगर ये घटना करती हैं तो ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। आपका पूरा मुल्क पाकिस्तान इससे बदनाम हो रहा है और उसकी छवि खराब जा रही है, पीआईए पर लोग हंस रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि मुल्क में करप्शन बहुत ज्यादा है 1947 से, तो जिस मुल्क की बुनियाद ही करप्शन थी वो मुल्क कैसे करप्ट नहीं होगा, उस मुल्क के बाशिंदे कैसे करप्ट नहीं होंगे। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं, तो जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही। पहली बात कि आपको ये चूर्ण दिया गया कि आपका मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, ये गलत है। आपका मुल्क बना कुछ जागीरदारों के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना और उनके कुछ जागीरदार जिनके पास जागीरदारियां थी, उनकी अय्याशियां कम ना हो जाएं, उनके पास नौकर चाकर की संख्या कम ना हो जाए, इसलिए पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क बनाया मोहम्मद अली जिन्ना ने। और जो आज भी 76 ईयर्स बाद भी कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि पाकिस्तान का कंट्रोल किन के पास है, क्या आम आदमी के पास है, क्या आज भी एक कोई आम आदमी उठ के पीएम बना है या बन सकता है क्या, जवाब होगा ना, पहली बात। दूसरी बात, आपने अपनी न्यू डाली करप्शन की, कैसे, अपना इंडिपेंडेंस, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे मनाकर। क्या आपको पता है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, कि शुरुआत में आपका इंडिपेंडेंस डे एक या दो बार 15 अगस्त को ही मनाया गया था, जो कि ओरिजिनल है, इंडिपेंडेंस नहीं, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का डे है। पाकिस्तान उस दिन क्रिएट किया गया, पाकिस्तान को आजादी नहीं मिली, पाकिस्तान किसी का गुलाम नहीं था, पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क इस नक्शे पर नहीं था और कोई मुल्क इस नाम का अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, वो भारत था और भारत अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए जब आजादी का एक्ट बना, अंग्रेज जब छोड़ के गए, तो उस एक्ट का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कोई एक पाकिस्तानी मुझे लाकर दिखा दे कि पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 अंग्रेजों ने कोई ऐसा दस्तावेज बनाया हो, नहीं मिलेगा। उसी एक्ट में यह लिखा गया कि भारत इंडिपेंडेंट होता है और इसमें से एक दूसरा डोमिनियन बनाया जाता है जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो आप लोगों की यौम पैदाइश होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों ने 15 अगस्त शुरू में मनाकर 14 अगस्त रख दिया, जलन में कि हम भारत से एक दिन पहले मनाएंगे क्योंकि हम अपने आप को सुपर दिखाना चाहते हैं। यकीन नहीं आ रहा, आपको सुनवाता हूं, आपके ही पाकिस्तान के इतिहासकार हैं, उन्होंने इस बारे में जवाब दिया है, सुनिए। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया, इसकी क्या हकीकत है और हम 14 अगस्त को क्यों आजादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? एक तो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, एक है जब अंग्रेज जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने हैंड ओवर कब पाकिस्तान गवर्नमेंट को की पावर, तो वो 15 को ही की और वो उन्होंने इंडिया में भी 15 को ही की। लिहाजा पहले 2-3 साल अगर आप देखें, एक स्पीच है और वो भी मैंने कोट की है अपनी जनाली किताब में, जहां पे 15 अगस्त को क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का पैगाम है, ये सारा कुछ है। लिहाजा ये 2-3 साल के बाद इन्होंने ये सारा चेंज किया। सुन लिया, तो ये है आपकी सच्चाई, लेकिन इस सच्चाई में करप्शन घुसा दी गई, करप्ट कर दी गई चीजें। तो जब मुल्क की बुनियाद ही करप्शन हो, वहां पर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां की आवाम भी करप्ट नहीं होगी, वहां का नेता भी करप्ट नहीं होगा, वहां की आर्मी भी करप्ट नहीं होगी। बाकी वो चूर्ण दिया जाता है कि हम कलमे के बुनियाद पर हैं और हमसे ईमान वाला कोई नहीं है और जज्बा बहुत है, बाकी आप समझ जाइए। वरना अगर ऐसा होता तो 76 ईयर्स में आपका मुल्क कहीं का कहीं पहुंच गया होता। या ठीक है, बट जो असल बात यह है कि करप्शन पूरे मुआशरे में हमारे आम हो चुकी है और उसकी मेन बात यह है कि वालदैन अपने बच्चों पे शुरू से तवज्जो नहीं दे रहे होते और बच्चे अपने बड़ों से सीख रहे होते हैं कि उनके माँ बाप किस तरह से कमा रहे हैं या क्या है, और वो उसी तरह से जाहिर है वो आगे वाली जनरेशन ऐसी ही तैयार हो रही है। एयर होस्टेस को पकड़ तो लिया गया है, आपको पता है 1,40,000 सऊदी रियाल था जो उसने छुपाया हुआ था अपनी सॉक्स में। क्या कहते हैं ये, क्या पूरी दुनिया किस तरीके से हमें देख रही है? एयर होस्टेस पकड़ी जाती है, हमारे फकीर पकड़े जाते हैं बाहर, चोर पकड़े जाते हैं, यूथ गलत कामों में लगी हुई है, आप क्या कहती हैं? बेसिकली यही है कि
करप्शन आम है और क्यों इतनी करप्शन हो रही है, क्या वजह है इसकी? अहम वजह यही है कि हम अपनी बच्चों की तरबियत पे नहीं होल्ड कर रहे। दूसरी बात यह है कि हमारी यूथ जो है वो गलत लोगों को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अपनी ड्रेसिंग पे और इस तरह से मेकअप और फैशन में वो इतनी ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे ये फला ब्रांड के कपड़े चाहिए, फला ब्रांड का मोबाइल चाहिए, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो गलत तरीके जो है अपनाते हैं। और जो हमारे जो मर्द हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात हालात ऐसे भी हैं कि बाहर मतलब पब्लिक में या इस तरह से ख़ुद को बोल्ड करने के लिए जो है लड़के ऐसे करते हैं। बाज़ औक़ात घर की जो औरतें हैं उनकी, चाहे वो बीवी के रूप में हो, चाहे वो बहन माँ के रूप में हो, उनका मतलब कि कंपटीशन बढ़ा के फलां के ऐसे कपड़े हैं मुझे भी ऐसे चाहिए, मतलब फरमाइशें बहुत बढ़ गई हुई हैं और उन फरमाइशों को पूरा करने के लिए उन्हें लीगली इलीगली हर किसी ना किसी तरीके से ला के देना पड़ता है। अगर घर की औरत ये समझ ले कि क्या नाम है, मैंने इतने में ही गुजारा करना है जितना वो हलाल लेके आ रहा है, फिर तो करप्शन जो है घर से ही ख़त्म होगी। बच्चे देखेंगे कि हाँ जी मेरी वालदा जो है वो ऐसे कर रही हैं, और जिस दिन वो इस बात से बायकट करे कि मुझे हराम पैसा नहीं चाहिए, ना मैंने अपने बच्चों को वो खिलाना है, यहाँ से करप्शन ख़त्म हो सकती है घर से। आपके आप आलमी सतह पे या मुल्की सतह पे करप्शन का खात्मा तब कर सकते हैं जब आप अपने घर से उसका खात्मा करें। और जो लोग आप देखें ना, अब एक दूध वाला भी है ना, वो भी उसमें करप्शन करेगा। मैं इस पॉइंट से सहमत नहीं हूँ कि घर की जो लोग हैं वो फरमाइशें करते हैं, सारी फरमाइशें पूरी नहीं होती। हमारे घरों में भी फरमाइशें होती हैं लेकिन सारी फरमाइशें पूरी नहीं की जाती। और ऐसी कोई फरमाइश जिसके लिए मेरे पास पैसे ना हो मैं बिल्कुल पूरी नहीं करूंगा, और ये बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं किसी का गला काट दूं, मैं किसी की चोरी कर लूं, किसी को धोखा दे दूं, मैं बिल्कुल ये काम नहीं करता। और हमारे सोसाइटी में, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सोसाइटी 100% एकदम परफेक्ट है, नहीं है, यहां भी होती है चीजें ऐसी, लेकिन ये मेंटेलिटी है आपकी। जो ईमानदार होगा वो गरीबी में भी ईमानदार होगा, और जो बेईमान होगा वो अमीरी में भी बेईमान होगा। इसका फरमाइशों से, इसका पहनावे से, उड़ावे से इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं करेगा। और आपको महंगा बेचेगा दूध, ठीक है। छोटी छोटी चीजें यहाँ पर बहुत मैटर करती है। आपने घर की बात की है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे ये बताएगा कि इस तरह की वीडियो से, इस तरह के वाकयात से हमारे मुल्क का क्या बाहर इमेज जा रहा है कि हाँ मैं करप्ट लोग हैं? जा तो यही रहा है कि एक मुस्लिम कंट्री हो के हम जो है पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बना और यहाँ पे करप्शन और चोरी और ये सब इतना आम है। ये इसी वजह से है कि हम फॉलो उन्हीं को करते हैं, हमारा जो मीडिया है वो उनके कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में। वेस्टर्न जो है या वेस्टर्न, आप देखें वेस्टर्न जो मुल्क है वो हमसे बहुत आगे निकल गए, यूरोपियन कंट्रीज हमसे बहुत आगे है, एशियन कंट्रीज भी हमसे बहुत आगे है। हम आप कह रहे हैं कि हम वेस्ट के कंट्रोल में, हम वेस्ट के कंट्रोल में किस तरह से है मुझे ये बताएं। हमारा मीडिया वेस्ट के कंट्रोल में है, वो चीज़ों को इस तरह से स्क्रॉल करके दिखाते हैं, इमेज उस तरह से बनाते हैं कि वो हमारा जो यूथ है वो गलत रास्ते पे जाए जा रहा है। मसलन ये है कि अगर हम अपने जो है कि स्टडी को देखें, अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें, तो यहाँ पे ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों की इंटरेस्ट भी नहीं होती उन सब्जेक्ट में, जो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो ऐसे सब्जेक्ट्स का चूज़ करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देख ले, ज़्यादा बच्चे CSS की तरफ जा रहे होते हैं, किस वजह से कि उन्हें जो है वो वहाँ पे सहूलियात ज़्यादा हैं, सही है, तो इस वजह से वो ये नहीं देखते कि उसके अंदर कितनी मेहनत है, और आप अपनी इंटरेस्ट भी नहीं है आपका इतना, आपकी अपनी काबिलियत इतनी नहीं है, आप उस बात को देखे बगैर। बाज़ औक़ात बच्चों के जो वालदैन हैं वो बच्चे को स्ट्रेस में ला रहे होते हैं कि तुम ये करो, ठीक है। तो बेसिकली मसला सारा पैसे का है कि सारी दुनिया जो है वो पैसा पैसा पैसा, और वो चाहे हलाल तरीके से है चाहे हराम तरीके से है। जब तक हम दीन को और इस्लाम को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाएंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमारा मीडिया वेस्ट के कंट्रोल में कैसे है? वेस्ट के कंट्रोल में इस तरह से है कि हम ड्रेसिंग में किसको फॉलो कर रहे हैं, वेस्ट को, क्योंकि अगर हम इस्लाम को फॉलो करते तो आपको बाहिजाब लड़कियां सड़कों पे नज़र आनी थी। अगर हम वेस्ट के कंट्रोल में इस तरह से है कि हम उनके सिलेबस को कंट्रोल कर, उनके सिलेबस को ले रहे होते हैं। अब इवन आपको
आपको एक यहाँ पर आपने बोला बाहिजाब, ठीक है आपकी बात ठीक है कि अगर इस्लामिक कानून आता तो फिर हिजाब हो जाता है, लेकिन देखिए हिजाब वाली लड़की नहीं, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर आपने देखा है कि क्या हुआ है, वो हिजाब वाली थी ना, वो अबाए वाली ही थी। तो आप हिजाब से या अबाए से अंदरूनी करैक्टर को कैसे जज कर सकते हो? अच्छा, हिजाब का ताल्लुक जो है वो अंदरूनी करैक्टर से ठीक है नहीं है, पर एक बंदा जो आपको देख के इमेज बना रहा है वो क्या लगे किसी, कोई मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मुझे क्या लगे, मतलब मैं क्यों किसी की भी बातों पर गौर करूं, मुझे तो मेरे काम से काम मतलब है ना, मुझे तो अपने काम से मतलब है, मैं क्या कर रही हूं, मेरा मामला तो खुदा के साथ है ना। आप वो ठीक है, जो बंदा क्या कर रहा है उसका मामला खुदा के साथ है। आपने अभी क्या नाम है, उकाड़ा यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिया, ठीक है उकाड़ा यूनिवर्सिटी में एक लड़की अबाए में ऐसे पकड़ी गई, UMT इसी तरह की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे सरेआम कंजर खाना हो रहा है उसके बारे में आपका कहेंगी, उन्होंने तो अबाया नहीं पहना होता। वो जो टिकटॉक्स वायरल हो रही होती हैं वो तो अबाए वाली लड़की, अगर एक अबाए वाली लड़की है आप उसका कंपेरिजन करें कि 50% वो है तो 50% अबाए वाली है, अबाए वाली एक लड़की का आप उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती कि जो 1000 या 1 लाख की जो है वो कह रहे कि अबाए वाली जो है वो बाकी लड़कियों से सुपीरियर है, आप ये कह रहे हो? सुपीरियर नहीं है, मेरे कहने से नहीं होगा, जिसे इस्लाम ने कुरान ने सुपीरियर बना दिया, कुरान ने इस तरह से कहने ने तो और भी चीजें लागू की है ना, कुरान ने इस्लाम ने तो हमें कहा है झूठ भी मत बोलो, कुरान ने इस्लाम ने कहा है कि नफ्स से जिहाद भी करो, अपनी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करो, कुरान ने इस्लाम ने हमें ये भी कहा है कि झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, करप्शन ना करो, जना ना करो, इन सब चीजों पे हम फोकस नहीं करते, हर चीज पर्दे से शुरू करते हैं और पर्दे पर ही खत्म कर देते हैं, जो हम लोगों के लिए मतलब इस्लाम का सिर्फ और सिर्फ पर्दा। अब ये बिटिया बेचारी बहुत छोटी है, सवाल इन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने अबाए में क्या किया नहीं किया, उन्होंने आपका जवाब दिया, आपने कहा कि इस्लाम और ये वो, उन्होंने कहा कि देखो ईमान का ताल्लुक जो है ना, बेईमानी इससे नहीं होती कि किसी ने अबाया पहना है कि नहीं पहना है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई बेईमानी तो अबाए वाले ने भी कर दिया, आपने पहनावे का जिक्र किया, इस्लाम का जिक्र किया, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कंपेयर नहीं किया कि देखो अबाए वाली ये कर रही है और बिना अबाए, सवाल उसका नहीं, वो कंपैरिजन नहीं, वो एग्जाम्पल है कि देखो अबाए वाले ने भी तो बेईमानी की या वैसे गंदी हरकत की, कहने का मतलब है कि गंदी हरकत कोई भी कर सकता है, उसका अबाए से होना और ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, पॉइंट को समझो आप, लेकिन बिटिया बेचारी क्या कहें। और दूसरी बात, बिटिया ने कही कि इस्लाम वो, भाई तो किसने रोका आपको फॉलो करने से, आपके घर में कोई आपको रोक रहा है, आपके अब्बू रोक रहे हैं, आपकी अम्मी रोक रही है, अगर जो भी पाकिस्तानी ये कहता है ना, तो मेरा उससे वही सवाल होता है कि रोक कौन रहा है आपको, अगर रोक रहा है तो उसका सर तन से जुदा क्यों नहीं कर दे रहे हो, ढूंढो तो सही कि कौन रोक रहा है, और अगर आपको नहीं पता है कि रोक कौन रहा है तो फिर तो आप झूठ बोल रहे हो कि इस्लाम पर चलने से रोका जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को यह पता है कि इस्लाम पर चल दूरी हो गई, इस्लाम पर चलने से रोका जा रहा है हमें, अरे भाई तो कोई आके गर्दन पकड़ रहा है आपकी, कोई आके पैरों में जंजीर डाल दिया कि मत चलो उस पर, और जब ये पता है कि रोका जा रहा है तो ढूंढो उसे कौन रोक रहा है और उसको सरेआम लिंच करो, दोनों बातें कैसे हो सकती है यार एक साथ। हम लोगों के लिए मतलब इस्लाम का सिर्फ और सिर्फ पता है, जबकि अदर मुस्लिम कंट्रीज में चले जाए आपको हर चीज इस्लाम में मिलेगी। अच्छा, सबसे मेन बात जो है कि अगर आप इस्लाम को फॉलो करें तो पर्दा तो वो तो ठीक है कि आपको इस्लाम में बाकी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, ठीक है, पर आप ये देखें कि मेरा नमाज का कनेक्शन मेरी अपनी ज़ात से है, मेरी जिहाद से है, आपका अल्लाह के साथ है कनेक्शन, हाँ एग्जैक्ट, कनेक्शन मेरे अपने से है, हिजाब का कनेक्शन पूरी पॉपुलेशन से है, अगर मैं एक हिजाब करती हूँ तो हो सकता है कितनी ही लड़कियों ने मेरे से इंस्पायर होकर हिजाब किया हो, अब मैं नमाज पढ़ती हूँ वो मेरे अल्लाह का मामला है, उसके अंदर मैं किसी को इंस्पायर नहीं हिजाब करती है, ये भी आपका और अल्लाह का ही मामला है, कोई हिजाब नहीं करता, कोई किसी की कैसी ड्रेसिंग है वो उसका और अल्लाह का ही मामला है, आप देखिए आप ना आपको ना मुझे ना किसी और को अल्लाह ने जज बनाकर नहीं भेजा है। देखिए हमारी बात एयर होस्टेस से शुरू हुई थी, अगर हम पर्दे पे बहस करते रहे पूरी रात यहाँ पे गुजर जाएगी, मेरे पास भी हजार दलील तो देखिए पास भी आप रेड लाइट एरिया में जाएंगी आपको वहाँ पर अबाए में ही मिलेंगी औरतें जो लोगों को माइल करती हैं अपनी तरफ, तो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि जो अबाया है वो आपकी अंदरूनी जानवर को नहीं मार सकता है। अबाया अंदरूनी जानवर, आपने अबाया किया है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर कोई लड़का जो है कि आपको देख के वो जितना मर्जी जज कर ले, एक पैंट शर्ट वाली लड़की को खड़ा कर दे, एक अबाए वाली लड़की को,
वो कुछ भी उसकी उसके बारे में उसके फिगर पे बात कर दे, किसी भी बात कर दे, वो इस बात को कभी नहीं करेगा हिजाब वाली लड़की के बारे में। वो कुछ भी कह दे, वो कौन सा सच में देख रहा है, हम कैसी हैं नहीं। मुझे ये बताएं कि फिर मोटरवे पर एक बाहिजाब खातून का, एक बुरखे वाली खातून का रेप कैसे हो गया? अच्छा, ये यहाँ पे बात ये है कि बताएं, अब अगर बात ये होती ना कि हिजाब वाली लड़की ने किसी लड़के के साथ में कुछ किया है, तब आप कह सकती हैं। जो आप करें हिजाब, आप करें अबाया, सुने, आप जिसने हिजाब करना है वो करे, जिसने अबाया करना है वो करे, जिसने नहीं करना वो उसकी अपनी मर्जी है भाई, हर कोई अपना जवाबदेह खुद है। हम किसी को कैसे टारगेट कर सकते हैं? हम यहाँ पर रहते हैं और हमारे कानून में हमारा एक भी लॉ या एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि यहाँ पर बुरखा जो है वो मैंडेटरी है, वो लाजमी है और औरतों ने बुरखे के बगैर नहीं निकलना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप भी आज़ाद हैं, मैं भी आजाद हूँ, कोई और लड़की आएगी वो भी आजाद है कि उन्होंने कैसी ड्रेसिंग करनी है। अगर आपको वो कानून चाहिए तो फिर अपना लॉ चेंज कर दें आप। सेंटेंस थोड़ा छोटा रखेंगी तो वीडियो भी आपकी अच्छी रहेगी, सही है? मेन बात ये है कि आवाम जो है वो पूरी डिस्कशन सुनना पसंद करती है। मैं आपको एक दफा दोबारा कहूंगी कि आप ये जरूर मेरी सारी जो है ना ये सारी लगेगी। हाँ बिल्कुल लगेगी। अच्छा, आपने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कोई बात नहीं है। आप इस बात को देखें कि लोग जो है अपने वोट किन लोगों को दे रहे हैं। जो लोग इस्लामी हैं, जो लोग इस्लाम पे हैं, लोग उन्हें डीजल कहते हैं, लोग उनके उल्टे नाम लेते हैं, तब बात नहीं है कोई। आप जैसे लोगों को वोट देंगे, जैसे लोगों की हुकूमत आएगी, वैसे ही लोगों को क्या नाम है कानून आएगा, सही है? आप देते हैं वेस्टर्न से ताल्लुक लोगों को, जिनकी दुबई में क्या नाम है बड़ी बड़ी पोस्टें, जो किसी को कोई किसी का एजेंट कहते हैं, लाइक दैट पीटीआई, हाँ यहूदी एजेंट कहते हैं कोई जो है वो, तो मौलाना फजलुर रहमान भी तो है ना। अगर उनकी हुकूमत आती है, आप एक दफ़ा हुकूमत ला के देखें, हमारा जो है यूथ उसको कभी भी वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि हमारे ऊपर खुद पाबंदियाँ आएंगी, सही है? तो हम खुद उन्हें वोट नहीं देना चाहते क्योंकि हम खुद पाबंदियों को नहीं चाहते। हम ऐसे ही लोगों को वोट देते हैं जो है ऐसे कानून लाते ही नहीं है। अगर हम ऐसे लोगों को वोट दें जो वाकई में कानून लाएं, जिनसे हमें जो है इस बात की तवक्को हो कि हाँ जी ये लाएंगे, और उनके ड्रेसिंग से और उनके अमल से ये लग रहा हो कि हाँ जी ये लाएंगे, तो फिर तो बात है। तो किसी को ड्रेसिंग से जज नहीं करती, मैं तो किसी को ड्रेसिंग से जज करती नहीं हूँ भाई। नहीं, ड्रेसिंग की बात ही नहीं, आप अपने ऊपर बात लेके ही ना जाएं। मैं अपने ऊपर नहीं, मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूँ ना। आप अगर बात करें तो हम पर्सनली एक दूसरे की बात तो नहीं करेंगे। आप वोट ऐसे लोगों को दे के देखें, ज्यादा आवाम ऐसे लोगों को वोट दे के देखे, और दीनी हुकूमत आती है या नहीं आती, ऐसे कानून बनते हैं या नहीं बनते, वो फिर की बात है। हिजाब के कानून नहीं बनते यहाँ पे, एक्स जेंडर के पास होने के कानून बनते हैं, क्योंकि आपने वोट अपना ऐसे लोगों को दिया है। अगर आप वोट देती किसी दीनी ताल्लुक, जिसका ताल्लुक दीन से होता, तो ऐसे कानून रुकने की बजाय, वोट दिया है वो भी इस्लाम को ही फॉलो करते हैं, वो भी मुसलमान है, तो वही तो मुसलमान है। बात घुमा फिरा के वही हो गई कि हम जो है वेस्टर्न के कंट्रोल में हैं, हम ताकि वेस्टर्न की हुकूमत आए। आपके पास फोन है ना, आप भी वेस्टर्न के कंट्रोल में हो। तो मैं भी हूँ, तो मैंने भी अपना भी कहा। आप इसको यूज करते हो ना, चाहे आप इसको चाहे एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करो। आप कभी लेट होते हो, आप अपने घर बता सकते हो उसको यूज करते हुए कि हाँ मामा जी मैं इस वजह से लेट हुई हूँ, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप मेरे मोबाइल की बात तो तब करें ना कि ये मेरा अपना कनेक्शन है कि मैं इस मोबाइल को किस तरह से यूज करती हूँ या मिस यूज। सबका अपना अपना कनेक्शन है ना, आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते। नहीं तो टारगेट आप किसी को नहीं कर सकते। अगर एयर होस्टेस ने इतने रियाल किए तो वो अपना उसका ओपिनियन है, उसका अपना है। आप किसी के बारे में क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं कि वो ऐसा है तो वो ऐसा है। अपना खुद का मुहासबा कीजिए कि हम क्या हैं और हमारा क्या बनेगा, बस। एयर होस्टेस ने सही किया या गलत किया? एयर होस्टेस ने सही किया या गलत किया ये तो नहीं है, हम अपना मुहासबा करें कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। यानी तनकीद किसी पे भी ना करें, आपके सामने कोई गलत कर रहा हो जिससे मुल्क की सोवरेनिटी पर आ जा रही हो। तनकीद करने का मतलब यह है कि अगर आप एक दफ़ा किसी को बता दो हाँ जी ये गलत है, अगर उसे करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो ना सही। आप अपना करें कि हाँ जी मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना। थैंक यू सो मच। करप्शन जो है ना वो बहुत सीवियर इशू है। हम देखिए कॉमन चीज होती है,
ये जो बिटिया है ये जमात इस्लामी की, और मैं तो चाहता हूं यार, मैं चाहता हूं कि जमात इस्लामी का राज हो जाए पाकिस्तान पर, मैं चाहता हूं कि शरिया कानून आ जाए पाकिस्तान पर, मैं चाहता हूं कि एक भी लड़की महिला बिना बुरके बिना हिजाब के बाहर ना निकले पाकिस्तान में। करके तो दिखाओ, बड़ा इस्लाम इस्लाम करते रहो, तो इस्लाम के ठेकेदार हम ठेकेदार ये वो, करके तो दिखाओ फिर मान जाए। और अगर किसी ने कहा कि हम इस्लाम पर चलते नहीं है, हमें चलने नहीं दिया जाता, वो झूठ बोल रहा है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, नहीं तो पता करो कौन रोक रहा है चलने से। करप्शन जो है ना वो बहुत सीवियर इशू है हमारे मुल्क में, ठीक है, इसके बहुत सारे पहलू हैं, उनमें से एक बहुत सारे लोग अपनी गुर्बत के हाथों भी तांग आके मजबूर होकर ये काम करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उस ज़ात पे अगर हमारा ईमान पुख्ता हो तो इंसान इस करप्शन से बच सकता है। और इस ये है कि हमारे जो सैलरी पैकेजेस है वो इंक्रीज किए जाएं ताकि किसी भी एम्प्लॉय को डी ट्रैक करके इस्तेमाल ना किया जाए किसी भी किस्म की स्मगलिंग में या ये मनी लॉन्ड्रिंग में, इन चीज़ों में इनको ना इस्तेमाल किया जाए। कोई हर इंसान अपनी नीड या मजबूरी के तहत ऐसा काम करता है, और कुछ लोग जो हैं अपनी इस मजबूरी को पूरा करने के लिए इस तरह के स्टेप लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, स्पेशली फीमेल को तो ऐसा भरगिज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट और करेक्टर तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसको भी ऐसा क्या मैडम यहाँ भी डिफेंड कर रही हैं आप? पीआईए की एयर होस्टेस उनकी सैलरी क्या आम आदमी के इंसान की तरह होगी? हाँ भाई पाकिस्तानी, क्या पीआईए के एक एयर होस्टेस की जो इतनी सीनियर एयर होस्टेस है उनकी सैलरी किसी आम पाकिस्तानी के बराबर होगी? उनसे कई गुना ज्यादा होगी, कई गुना। और सैलरी का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं। आप सैलरी कितनी भी बढ़ा दो, अगर उसका माइंड करप्ट है वो तब भी करप्शन करेगा, और जो ईमानदार होगा वो चाहे उसकी सैलरी कितनी भी कम हो, उसके पास खाने को रोटी नहीं हो, वो ईमानदार ही रहेगा। वो कभी अपनी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा कि मैं जाके चोरी कर लेता हूं क्योंकि मैं तो भाई भूखा हूं तो मैं चोरी कर लूं, ना नहीं करेगा। ये गलत एग्जाम्पल दे रही है। इसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ज्यादा जो हमारे पास रेशो है, मेल हो या फीमेल हो कोई भी हो, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें, इस्लाम इस चीज की हमें इजाजत नहीं देता, और ये तो बिल्कुल हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे करप्शन जहाँ पे जितनी ज्यादा होगी मुल्क जो है वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएगा। आपने बिल्कुल हर चीज में इस्लाम घुसाना आप लोग बंद करिए। इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन सबसे ज्यादा बेईमानी पाकिस्तान में होती है। इस्लाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता, लेकिन सबसे ज्यादा लड़कियों पे जो गंदी नजर रखते हैं वो पाकिस्तान में रखी जाती है। कम से कम वेस्ट वाले ये तो नहीं कहते कि हम क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियन में क्रिश्चियनिटी में ये नहीं होती तो वहां पे ऐसा नहीं होता, वो तो ऐसा नहीं करते कभी, हमारे यहां भी ऐसा नहीं करते। लेकिन आप चूंकि हर चीज में इस्लाम घुसाते हो तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। इस्लाम में इतनी चीजें नहीं कही गई, वो सारे काम पाकिस्तान में होते हैं, बेईमानी, लालच, धोखाधड़ी, 420, दो नंबरी, फ्रॉड। एक बंदे की भी जान जाए तो पूरी इंसानियत की जान है, और हजारों आतंकवादी संगठन इस्लाम के नाम पर बने हुए, कमाल है। 72 फिरके हैं, सब एक दूसरे को काफिर कहते हैं जी। अभी पारचिनार में क्या हो रहा है? पाकिस्तानियों तुम्हें चैलेंज है, जाके पढ़ो पारचिनार में क्या हो रहा है, और किस तरह से शिया मुसलमान कहते हो ना तुम लोग, शिया मुसलमानों को किस तरह से मारा जा रहा है वहां पर, 35-40 मारे जा चुके हैं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, 35-40 मारे जा चुके हैं, और पता नहीं कितने अभी आएंगे, सारे शिया मुसलमान। कौन मार रहा है उन्हें? कौन मार रहा है उन्हें बता दो। मार कौन रहा है? मुसलमान ही तो मार रहे हैं। लेकिन नहीं जी, इस्लाम में तो इसकी मनाही है, जितनी मनाही इस्लाम में है वो सारे काम मुसलमान करते हैं, और फिर कहेंगे कि अरे हम तो जी बड़े ईमान वाले हैं, कलमे की बुनियाद पर बने हैं। शर्म कर लो, क्योंकि इससे आप अपने ही मजहब को बदनाम कर रहे हो, इससे आप अपने ही मजहब का मजाक उड़वा रहे हो, क्योंकि आप बातें तो हवाबाजी कर देते हो, ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो सारा मामला जो है वो तो बेईमानी में, धोखेधड़ी में, गंदगी में, फ्रॉड में, एक दूसरे को मारने में, इसके लिए जाता है। और कह दो मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग समझोगे नहीं।
आप लोगों को लगेगा कि मैं इस्लाम पे अटैक कर रहा हूं। मैं इस्लाम पे अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं जो हालात हैं उसको बयां कर रहा हूं, और कोई हालातों को काट दे कि बता दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आप लोग खुद कहते हो दूध में मिलावट है, तो इधर मिलावट है तो बेईमानी हो गई। लड़कियों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, जना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, वो भी है। एक दूसरे को धोखा दे रहे हो ना, वो भी है। फिरकों के नाम पर एक दूसरे का गला काट रहे हो रहा है ना, वो भी है। फिर काहे बात के मुसलमान हो तुम लोग बे? वो सारे काम तुम लोग कर रहे हो जो तुम लोग कहते हो कि इस्लाम में इसकी मनाही है, फिर तो अपने आप को घोषित कर दो कि तुम लोग मुसलमान नहीं हो, और नहीं तो फिर करके दिखाओ कि देखो इस्लाम में ये कहा गया और हम कर रहे हैं, वरना बाकी तो है। दोस्तों अब छोड़ो, वीडियो ट्राइन देते हैं, बहुत बातें होगी। आप कमेंट करके बताओ आप क्या कहते हो। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। भाई गुनाह तो गुनाह ही है, चाहे वो मजबूरी में किया जाए चाहे वो शौकिया किया जाए। अब इस एयर होस्टेस को जो है वो क्या मजबूरी थी, क्योंकि पैसे की लालच जो होती है ना वो इंसान को जो है ना वो कहीं का नहीं छोड़ती फिर। और दूसरी रही बात PIA के, तकरीबन ज्यादातर अमला जो है हमारा करप्ट ही है। वो ऐसे कामों में, स्मगलिंग में, चीजें स्मगल करना, पैसा स्मगल करना, दूसरी फॉरेन करेंसी स्मगल करना, ये आम बात है उनके लिए। और ये एयर होस्टेस कैसे पाकिस्तान में फंस गई है ये मुझे भी समझ नहीं है, क्योंकि या तो इसके साथ किसी ने दुश्मनी अपनी निकाल ली है, किसी ने मुखबरी की है इसकी, और इसको जो है वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे पकड़वा दिया गया है। अगर ये सऊदी अरब में पकड़ाई जाती तो वहां पे तो जो है वो इसको सजा मिल जानी थी, क्योंकि वहां पे असल इस्लामी कानून मौजूद है जो कि लागू है, और इसकी गर्दन भी, इसके हाथ भी काट दिए जाने थे, क्योंकि चोरी है ना, ये स्मगलिंग करना भी चोरी में आता है, तो और इसको जो है वो उन्होंने लटका देना था। तो पाकिस्तान में वो बात बिल्कुल ठीक कहती है, जो भी कहते हैं ना कि इस्लाम हमें इन चीजों से मना करता है, वाकई हमें मना करता है इन सब चीजों से, लेकिन हम इस्लाम पे चलते ही नहीं है। हमारे में कोई भी इस्लाम पे नहीं चलता, नाम के मुसलमान है हम, सिर्फ बदनाम किया हुआ है। हम इस्लाम का जो है ना वो लबादा ओढ़ के जो है वो सारे बुरे काम कर रहे हैं, और बदनाम क्या हो रहा है इस्लाम मजहब, या शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस्लाम का जो है वो नाम यूज करके जो है वो अपने मतलब निकालते हैं, और बाद में कहते हैं कि जी ओ नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए इस्लाम में, ये नहीं करते भी खुद है और फिर कहते भी रहते हैं। या तो अमल करो ना, वो बात बिल्कुल ठीक है, कई चीजों से मुझे जो है वो बुरा भी लगता है, लेकिन बातें है सच्ची ना, कड़वी लगती है, सच्ची बातें हमेशा कड़वी लगती है, सच्ची बात है, अमल करो ना। यहाँ पे सिर्फ बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं कि ये यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, इस्लाम ने हमें मना किया है। ठीक है मना किया है तो अमल करो। यकीन करें पैसे की अगर हेरा फेरी की बात हो ना, मैं हमेशा बचता हूं कि ये ऐसी कोई भी ऐसी बेईमानी ना हो मुझसे। अपनी बात करूं, ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, अपनी हर एक कोशिश करता हूं कि इन चीजों से, इन गुनाहों से बचा जाए। लेकिन अगर कोई जो है वो अगर बचना ही नहीं चाहता, कोई जो है वो करता ही रहता है, अमल ही नहीं करने की कोशिश करता, तो क्या माशरे ने सुधरना है। और रही बात अबाया की या बुरके की, वो मैं हमेशा यही कहता हूं कि हर एक की अपनी मर्जी है, वो क्या पहनता है क्या नहीं पहनता, लेकिन इस्लाम में जो है वो पर्दा है करना फर्ज, तो वो अगर करते हैं तो उनका मामला है, वो रब जाने वो जाने, और अगर नहीं करते तो वो उनके रब का मामला है, वो जाने और वो जाने। तो मैं किसी को जबरदस्ती पर्दा नहीं बनवा सकता और ना किसी का पर्दा उतरवा सकता हूँ, ये हर एक की अपनी अपनी च्वाइस है, वो पर्दा करती है तो वेल एंड गुड, नहीं करती तो उसकी अपनी मर्जी, उसके लिए वेल एंड गुड। तो बहरहाल ये है कि इस पे जो है वो बहस नहीं करनी चाहिए कि पर्दे में जो थी वो उसने ये कर दिया, जो बेपर्दा थी उसने ये कर दिया। ये बात जो है वो इंसान के अपने माइंड की बात है कि वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, वो चाहे पर्दे में करे चाहे वो जो है पर्दे के बगैर करे। असल प्लीति जो है वो उनके अंदर है, अमल का दारोमदार नीतों पर होता है। ये बात जो है हमें इस्लाम में सिखाई जाती है कि अमल का दारोमदार नीतों पर होता है, नीयत आपकी कैसी है उस पे जो आप अमल कर रहे हैं वो उसकी नीयत देखी जाती है। तो आप अगर पर्दा सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए जी मैं बड़ी नेक हूं, तो फिर तो आपकी नीयत खराब है, तो फिर आपका पर्दा करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप जो है वो कुछ और ऐसी गलत हरकत करते हैं और लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, या अच्छी हरकत करते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है उसका जो है दुनिया में एक अच्छा इम्पैक्ट आप पे पड़ जाएगा, आपकी थोड़ी इज्जत बन जाएगी, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप बड़ा इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, आप तो दिखावा कर रहे हैं ना फिर। और हम जो है वो तकरीबन 60% मुसलमान यहाँ पे
पाकिस्तान में दिखावा करते हैं 50-60% दिखावा करते हैं, और 20-30 तो खुलेआम कहते हैं कि हम नहीं जो है फॉलो करते, और जो कोई है को 5-10% ही हैं जो कि इस्लाम को फॉलो करते होंगे और सही से जो है उसको फॉलो करते होंगे। ये नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि जाके बम धमाके करते होंगे, वो कोई इस्लाम नहीं सिखाता तो वो कोई फॉलो नहीं, वो भी इस्लाम से जो है फॉलो करने से बाहर ही है। तो बात यह है कि जो शिया मुस्लिम की जो इन्होंने बताई है कि उनका कत्लेआम शुरू है, प्रो तालिबान कर रहे हैं, तो वो कौन है? वो उन्हीं के खिलाफ तो मैं भी हमेशा बोलता हूँ TTP के, तो उनको ठोके, उनको उन्होंने दहशतगर्दी मचाई है। और जो भी सुन्नी शिया का जो मामला है, जो पाकिस्तान में फिरके हैं एक दूसरे को काफर कहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है काफर कहते हैं। और ये चीज मुझे भी गलत लगती है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो है कोस रहा होता है, उनकी गर्दनें उतार रहा होता है, उन पर इल्जाम लगा रहा होता है। यार इनको शर्म यह नहीं आती कि एक मुसलमान बन के रह लें? ये नाम के मुसलमान है और शॉर्टकट जन्नत ढूंढते हैं ये, और ऐसे शॉर्टकट जन्नत ही जाएंगे, शॉर्टकट जन्नत नहीं मिलती। जन्नत कमाने के लिए जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, तकोदो करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके जन्नत मिलती है। ऐसे ही नहीं कि शॉर्टकट में जन्नत मिल गई जी, आप जाएं और बम बांध के जो है किसी भी फट जाए तो आप जो है जन्नत में चले जाएंगे और सीधा दोजख में गिरेंगे जाके। तो ये मुसलमानों को समझ ही नहीं आती कि एक जन्नत को कमाने के लिए जो है वो इंसान को किस तरह फॉलो करना पड़ेगा, वो इस्लाम को सही तरह जानते ही नहीं है। वो शॉर्टकट ढूंढता है, शॉर्टकट होगा जी, और जी अगर शहीद हो गया तो जी जन्नत मिलेगी, और शहीद ये किसको समझते हैं? बम फोड़ने को शहीद समझ जाते हैं। ये लानत है इन लोगों पे, ये शहादत नहीं है। शहादत वो है किसी मजलूम का साथ दे के आप शहीद हूं, किसी की जान बचाते हुए आप शहीद हूं। अजीब लोग हैं यार यहाँ पे, और पता है नहीं है इनको, और बदनाम करते रहते हैं, नाम के मुसलमान है। और इस जो लड़की थी उसने जो है कुछ बातें ठीक की थी शुरू में, जितनी भी बातें थी वो सारी उसकी ठीक थी, कि जो एक फरमाइशें होती हैं ना ये बंदे को जो है वो गलत रास्ते पे डालती हैं, ख्वाहिशों और फरमाइशों को जो है वो उसको कहते हैं ये, उनको मारना यही कहते हैं अपने नफ्स से जो है जहाद करना, वो सबसे बड़ा जहाद है, वो हम नहीं करते। हम अपनी ख्वाहिशों को अपने जो ये एक पाली होती है, हम ये ले लेंगे, हम वो करेंगे, हम बड़े बड़े महलों के जो ख्वाब देखे होते हैं वो अगर जब पूरे नहीं होते बंदे के, तो उनको काबू करना पड़ता है। जो उनको काबू करेगा वो नफ्स पे जहाद है, लेकिन ये इनको पति को नहीं किसी को उन पे भी काबू करना पड़ता है। जो नहीं करना चाहेगा वो क्या करेगा? पैसा कमाने की कोशिश करेगा, गलत तरीके अपनाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, वो गलत तरीके अपना के पैसा खुला लेके जो है वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करेगा। और घर में जो उसने इन्होंने बात की है कि घर में जो है वो एक जो अपना कल्चर जो होता है, जो अपना आपकी जो एक समझ लें कि आप में जो करप्शन जो नहीं पाई जाती, तो वही बच्चे भी सीखते हैं। तरबियत का असर होता है, तरबियत बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप को देख के ज्यादा सीखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं, वो चोरी चकारी तो नहीं करते, मेहनत करते हैं या नहीं करते, उन्हीं से बच्चा सीखता है। ख्वाहिशात ज्यादा ना पाली जाए, और जितनी ख्वाहिशात ज्यादा पालेंगे उतने ही आप गलत कामों में जाएंगे। ख्वाहिशात रखें लेकिन उनको कंट्रोल भी रखें। हाँ, अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देना चाहिए, मतलब किसी की चीजों को देखकर वो अपने मन में विश नहीं पैदा करनी चाहिए कि यार फलां के पास तो बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बाइक है, फलां के पास ये चीज है, मेरे पास ये नहीं है। तो उन चीजों को पूरा करने के लिए फिर इंसान को अगर गलत करने का मौका मिलता है तो इंसान उस गलत मौके को पिक करता है, और जब पिक करता है तो फिर वो करप्शन की तरफ जाता है। और बाकी पाकिस्तानी अवाम की बात करते हैं हम लोग, पाकिस्तानी अवाम की ये बात तो हम भी करते हैं कि बड़ी अजीबो गरीब सी ये बात लगती है कि जिस कंट्री में 98% लोग जो है वो मुस्लिम है और बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो थोड़े हैं, तो फिर ये लोग कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, फिर ये लोग कहते हैं कि इस्लाम का किला है। तो एक ऐसे कंट्री में जहां पे सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है, जहां पे माना जाता है इस्लाम का किला है, वहां पर कौन है जो इन मुसलमानों को, इन पाकिस्तानियों को इस्लाम के ऊपर चलने से रोकता है? क्योंकि आए रोज हम किसी की भी स्टेटमेंट सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें इस्लाम के ऊपर चलना चाहिए, तो हर बंदा जो कहता है वो चले ना। झूठ जो है दुनिया का सबसे ज्यादा अगर बोलने वाली कोई कौम है तो वो पाकिस्तान है। फ्रेब में अगर टॉप लिस्टों पर नाम आता है दूसरे कंट्रियों में तो वो पाकिस्तानियों को आता है। करप्शन में किसी के पाकिस्तानी के ऊपर इतनी जल्दी दूसरे कंट्रियों में इत्माद नहीं किया जाता। तो ये पाकिस्तानी कौम को इन सारी चीजों का तो पता है कि इस्लाम के नाम पे बना है, इस्लाम का कानून ये है, इस्लाम के ऊपर चलना चाहिए। तो इस्लाम ने आपको जो चीजें बोली हुई है वो आप करें ना, आपको कौन रोक रहा है वो ना करने से कि ये ना करो? आप लोगों को झूठ बोलने से किस चीज ने रोका है? कौन कहता है कि झूठ जो है वो ना बोला करो या बोला करो? कौन है जो आपको रोक रहा है इस चीज से? कौन है
जो आपको कहता है कि करप्शन करना जरूरी है, करप्शन ना करो। हर चीज इंसान अपनी मर्जी से करता है, जो भी करता है। तो फिर वो उठ के ये बोले कि यहाँ पे जी इस्लामी कानून नहीं, इस्लामी कानून आपने खुद अपने ऊपर लागू करना होता है, किसी के ऊपर आप लागू नहीं कर सकते। आप अपने आप को ठीक करना शुरू कीजिए, अपने आप को सबसे पहले इंसान बनाइए, झूठ बोलना बंद कीजिए, धोखेबाजी बंद कीजिए, फ्रेबी बंद कीजिए। यहाँ पे एक रेड़ी पे सब्जी बेचने वाला बंदा, फ्रूट बेचने वाला बंदा भी करप्शन करने से बाज नहीं आता। दिहाड़ीदार बंदा नहीं बाज आता था, वो उसका जब बस चल जाता है तो करप्शन करता है। वकील यहाँ के झूठे केस, पता होता है कि ये केस झूठा है लेकिन अपनी फीस के लिए वो केस ले लेते हैं, क्या ये करप्शन नहीं है? डॉक्टर को पता होता है कि इस बीमारी की ये मेडिसिन नहीं है जो मैं दे रहा हूं, लेकिन उसकी जो डील हुई होती है, उसका जो टारगेट होता है वो उसने पूरा करना होता है, ये करप्शन नहीं है। यहाँ पे जो दूध बेचने वाला बंदा है उसको पता है कि दूध में पानी डालना करप्शन है लेकिन वो करप्शन करता है। यहाँ पे अचार बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनको पता है कि वो गंदा अचार बेच रहे हैं लेकिन करप्शन है, वो करती हैं। तो फिर ऐसे मुल्क की आवाम का गिला एक गवर्नमेंट के साथ होना बड़ा अजीबोगरीब सा मामला है कि गवर्नमेंट करप्ट है। और भाई आप सारे के सारे करप्ट हो, जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि ऊपर वाले जो निजाम है उसको आप चेंज कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप चेंज कर सकते हैं। इस्लामिक स्टेट जो है प्योर इस्लामिक स्टेट सऊदी अरब है। उन्होंने कभी दुनिया के सामने ये जाके नहीं कहा कि हम इस्लाम का किला हैं, हम प्योर इस्लामिक हैं और हमारा इस्लाम ये कहता है, नहीं। उन्होंने जो चीज भी करनी होती है वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। वो दुनिया के सामने अपने आप को वो गले फाड़ फाड़ के ये दावेदारी नहीं करते कि हम सुपीरियर हैं, हम एक अलग कंट्री हैं, हमारी इस्लामिक रियासत है, हमारे यहाँ ये है, हमारे वहां वो है। उनके गवर्नमेंट ने जो कानून वहां पे बनाए हुए हैं उनको अवाम फॉलो करती है, और अवाम जब फॉलो करती है तो फिर वहां का जो कानून है उसका एक माहौल बना हुआ है, तो इसी तरह से जाके फिर बनती है। सिर्फ हाँ जी, सिर्फ नाम लेने से या ये कहने से जी कि इस्लाम के नाम पे बना हुआ है और मुसलमानों सबको चाहिए कि इस्लाम के कानून को फॉलो करें, वो तो भाई करो ना। फिर वो केजरीवाल साहब वाली बात आ जाती है कि करो ना, वो भी परेशान है, हम भी परेशान है, करो ना भी तो करना। कोई ना, वो इनको करना चाहिए लेकिन ये नहीं करते। और मैं एक और बात बीच में जो है जिक्र हुआ कि उसने कहा कि ये इस्लामी जो है वो एक जमात जो है वो उसकी हुकूमत आए तो जो है मुल्क में इस्लामी कानून। मैं कहता हूँ बीबी तुम्हें पता ही नहीं है, अभी अगर कोई इस्लामी जमात आ गई तो बाकी 71 फिरके गए, क्योंकि किसी एक फिरके की जमात आनी है। अगर आती है TLP आती है या इस्लामी जमात जमात इस्लामी आती है या JUI आती है तो वो एक फिरके की होगी, तो जब वो एक फिरके की होगी तो बाकी फिरके तो बेचारे मर जाएंगे वैसे ही, उनमें तो उनको तो कत्ल कर दिया जाएगा, उनपे तो बैन लग जाएंगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस पाकिस्तान मुल्क में, खासकर पाकिस्तान मुल्क में कोई इस्लामी कानून जो है, इस्लामी जो है वो अपना कोई जमात जो है वो लीडर बने और आके वजीर आजम बने, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्योंकि यहाँ पे अब जो है वो सुन्नी दूसरे को जो है फिरके वाले को जो है वो गलत समझता है, दूसरे सुन्नियों को समझते हैं, तो ये जंग आपस में चलती रहती है। जब इख्तदार में किसी ने आ जाना है तो उसने तो फिर सुन्नियों वाले कानून लागू करना है, अगर सुन्नी को जमात आ जाती है सुन्नियों वाले लागू करेगी तो बाकी बेचारे क्या करेंगे? फिर बाकियों का गया, बाकी तो गए, बाकी को कहेंगे इनका सर तन से जुदा करो, तो बाकी कहाँ फिर जाएंगे? भाग जाएंगे इधर से, शिया गए, वाबी गए, सारे गए। फिर यार मैं नहीं चाहता कि आए, मैं चाहता हूं कि ये सेकुलर ही रहे जो भी लीडर आए। महाराज जी, ये वीडियो बड़े अच्छे मौजू पे थी और काफी सारी बातें जो है वो जो लड़की से डिबेट कर रहे थे काफी बातें उसमें हुई हैं, कुछ उन्होंने ठीक की हैं, कुछ उन्होंने अपने नजरिए के हिसाब से की हैं। और सामने जो मेजबान एंकर खड़ी थी वो भी अपने हिसाब से ठीक कर रही थी, उनका सवाल करना बनता था। और जहां तक ये इस मेंटेलिटी की बात रही कि आप बुरका पहनते हैं या किसी को आप जबरदस्ती पहनाते हैं, ये मेंटेलिटी जो पाकिस्तान में मेरे हाल में कूट कूट के भरी हुई है और सब ने एक फरीजा समझा हुआ है, और एक दूसरे के ऊपर बोतान लगाना, एक दूसरे को होल्ड करना, नीचे रखना या अपनी बात सुनवा कर मना कर रहना, तो वो चीज़ जो है लोगों में पाई जाती है। भाई एक बंदा अगर बुरका पहन रहा है वो दूसरी किसी को ये नहीं कह सकता कि भाई तू भी पहन, ये तो भाई उसको भी अगर उसने इस्लाम फॉलो किया हुआ है तो भाई उसको पता है रूल रेगुलेशन, वो फॉलो नहीं कर रहा, उसने रास्ता दूसरा चूज किया हुआ तो उसकी है, वो उसकी उसके रब के साथ है, ठीक है ना। आप बीच में इंटरप्ट मत करें, जब इंटरप्ट करते हैं मामलात खराब होते हैं और फिर सवाल जवाब खड़े होते हैं। चले वो उस लड़की ने करप्शन की है वो एयरपोर्ट पे, जो भी वाकया हुआ है, अब बीच में करप्शन मैं कहूँ कि पूरे का पूरा महकमा वैसे ही है। इस सारे महकमे को निकाल के देख लें, इनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें,
सीसीटीवी फुटेज देख ले, हर जगह पे ये रिश्वत ले रहे होंगे, दो नंबरियां कर रहे होंगे बाहर से। ये इन्होंने एक किस्म के ना एयरपोर्ट पे भी कुली लोग रखे हुए हैं, ठीक है, बाहर से ना आपसे डील करते हैं। हम तो कई बार हमने किया है कि बाहर से डील करते हैं, हाँ जी अंदर जाने में टाइम लगेगा, ऐसा करें आप 10,000 दे दें, एयरपोर्ट बड़ा होगा तो 20,000-30,000 दे दें। तो वो देखते हैं फॉरन जो है, वो फॉरनर जो है कौन से लोग हैं, बाहर जाने वाले देखेंगे यूरोप वाली फ्लाइट है भाई, फिर तो 30-40,000 पक्का है। तो बड़े बड़े बैग उनके लेकर अंदर और बोर्डिंग क्लियर, वो सामने जो चेकअप वाला एक आम मदद से उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं वो भी नहीं होता। तो भाई सरसरी दूर से इशारा कर देता है कि हाँ अपने बंदा है निकाल ले, तो वो आराम से जनाब उसको एंटर कर देते हैं। मतलब कोई वो अगर आप उस चीज को मेंशन नहीं करते या देखते नहीं है तो फिर आप मेरे ख्याल में उन लोगों में शामिल है जो लोग करप्शन करते हैं, दो नंबरियां करते हैं, आप भी उस लिस्ट में शामिल है, आप उसमें से निकाले नहीं गए। वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने लड़की ने बात की है ना, जो बुरके वाली लड़की थी, वो कह रही थी कि चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें चेंज घर से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं तो कब से कूक रहा हूँ कि जो चीज आपने शुरू करनी होती है वो भाई अपने आप से, अपने घर से शुरू करनी होती है, ठीक है ना। तो फिर उस चीज को आप बिल्ड करते हैं माशरे में, एक बंदा दो से चार ये चेन ऑफ सर्कल चलता है तो माशरा चेंज होता है, तो फिर इम्पैक्ट पड़ता है। एक बंदा इम्पैक्ट लेके नहीं चल सकता। अब मैं बाहर निकल जाऊँ कि मैं बोलू यार आप ऐसा करें, आप दाढ़ी रख लें और मूछें जो है अपनी शेव कर लें, सुन्नत जो है वो इस्लामिक वे से वो दाढ़ी रख कर और मैं शुरू कर दूं, और एक बंदे से होगा वो नहीं होगा, ठीक है। माशरे में इम्पैक्ट आपने डालना है तो आपको अपनी शख्सियत जो है कहीं ना कहीं निखार पैदा करना पड़ेगा, वो इम्पैक्ट लाना पड़ेगा कि देख कर लोग आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करें, आपकी बात सुनकर, आपकी बातचीत में, आपके लहजे में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा ठहराव होना चाहिए कि वो बंदा खुद आपके पास आए और आपकी बातें सुने, और बातें भी लॉजिकल होनी चाहिए, इन लॉजिकल बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे मुल्ला मौलवी हजरात टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल और उन पर बैठ कर लोगों को गलत गुमराह कर रहे होते हैं, जो असल दीन है जो जिस हिसाब से चले, वो मैं नहीं कहता इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और कलमे के नाम पर बना हुआ, लेकिन जो इस्लाम है हमारा हमने फॉलो किया हुआ है उस हिसाब से तो बात करें, उसमें से बात करें। वो अपने तरीके की कहानियां और अपने हिसाब से लोगों को मोल्ड करवाते हैं, उनको एक एज अ एंटरटेनमेंट उनके लिए ये चीज है, ठीक है ना, तो वो इस तरह पेश करते हैं। तो जो दूसरे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो वीडियोस देखते हैं इस किस्म की, तो वो किस तरह उस चीज को फॉलो करेंगे, या किस तरह आप उनको बोलेंगे कि ये हमारा हुलिया है, आप भी इसको अपनाएं। इंडिया में जाके कुछ परसेंट, मैं कहता हूँ इंडिया में भी यही चीजें पाई जाती हैं, ठीक है ना, ये फैक्ट है। लेकिन यह है कि इंडिया में आके जो जितने भी व्लॉगर्स हैं, ठीक है, फॉरेन व्लॉगर्स हैं, वो आते हैं, वो प्रॉपर फॉलो करते हैं। मैंने देखा कि उनके मंदिर में जा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, उस चीज को एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो है कहीं ना कहीं जब आता है कोई फॉरनर या कुछ आता है, एक तो उसे तंग करते हैं, नंबर दो इंग्लिश की बहुत फुकदान है कि बातचीत वार्तालाप करना। अब इस्लाम के बारे में किसी को समझाना हो, एक और भी पॉइंट है, वो लोग जो होते हैं ना आपके हिंदुस्तान में जो लोग हैं, वो उनको ये नहीं कहते कि आपने ये ड्रेसिंग की है या आप यहाँ पे आए हैं देखने मंदिर आए हैं तो अब आप ऐसा करें कि सनातनी बन जाए या हिंदू बन जाए, वो ऐसा कुछ नहीं कहते, बस ठीक है आपने रस्म और रिवाज के हवाले से। तो यही चीजें होती हैं यहाँ पे, ये है कि जबरदस्ती की जाती है यहाँ पे, इतनी भोंगियां मारी जाती हैं कि इतनी जाहिलियत है कि कल हम एक क्लिप वायरल हुआ है, उसमें वो अमेरिकन बंदा पाकिस्तान विजिट करने आया हुआ है, तो उसकी लुकिंग इस तरह से थी कि पता नहीं चला था कि अमेरिकन है, वो पाकिस्तानी लुक में थोड़ा बहुत नजर आ रहा, तो उसने बाल चार रखे हुए थे, तो मीडिया का जर्नलिस्ट बहुत बड़ा यूट्यूब पर, वो उसे लोगों से रिव्यू लेते लेते उसके पास चला गया, उसे कहता है बोले जी पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो साथ ही उसे कहता कि बोलो कि अमरीका मुर्दाबाद, तो वो बेचारा की तो आंखों में आंसू आ, और वो बड़ा इमोशनल होके कहता है कि आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, कि मैं अमेरिका से हूं और आप मुझे ये कह, ये हालात है यहाँ के लोगों पे, लानत है ऐसे लोगों पे। तो क्या वो बंदा सोचता है, उसने इतना कह दिया कि तेरे मुल्क को जो है वो जिंदाबाद कह दिया, तो तू उसके मुल्क को कह रहा है कि मुर्दाबाद, कह लाना था तेरे पे जिसने भी बोला एक्सपीरियंस करने में ना, एक्सपेरिमेंट करने में वो थोड़ा आगे निकल जाते हैं ना, कि यार उनको ये ना गलत सही की ना समझ नहीं रहती, उसमें अंतर ही नहीं कर पाते यार आप कर क्या रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट था एक जगह पे, मैं उसको फॉलो नहीं करता, मैं नहीं चाहता कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो। दो झंडे उठाए हुए थे इंडिया और पाकिस्तान, तो वो पैसे दे रहे थे, ठीक है, कि अपना झंडा जलाओ, तो लोग कह रहे थे क्यों पागल है हम, क्यों जलाएं, तो कहते चलो ये 10 नहीं 20,000 दूंगा,
30,000 लोगों का झंडा जला दो। वो भाई वो लोग जो समझदार थे, जिनको समझ है, अकल मत है कि जब एक उंगली आप किसी पे उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, तो उन लोगों को पता है कि हम डिस्ग्रेस करेंगे अगले की झंडे की, यार इज्जत है तो हमारे साथ भी वही होगा। तो कहीं ना कहीं लोग जो एक्सपेरिमेंट करने में भूल जाते हैं और मिसकंक्लूजन होता है। लोग अच्छे भी मौजूद हैं, दोनों अतराफ में मौजूद हैं, मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में मौजूद है अच्छे बुरे लोग, और इसके वजह से लेवल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हैं और किस बिहाव पे कर रहे हैं, मौजू क्या चल रहा है उसके थ्रू रहने की कोशिश करें। हाँ आपको नहीं पता उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मत करें उसके बारे में, कोई भी वार्तालाप मत करें, क्योंकि वो आप सुन कह देते हैं और माशरे में उसका इम्पैक्ट जो है वो गलत पड़ता है। ये चीज़ जो है हमारे मौलवी हज़रात कर रहे हैं, आम आवाम को नहीं करना चाहिए। आम आवाम तोले और फिर बोले, वो वाला हिसाब है। वीडियो अच्छी थी और इनकी वीडियो के लिंक और महाभारत के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।